नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम करते हैं हर प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं दो स्मार्टफोन जिनकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम एक साथ। आज हमारे पास पहला स्मार्टफोन है Redmi Y2 और दूसरा स्मार्टफोन लावा Z92, दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइंस और कैमरा पर। सबसे पहले कीमत की बात कर लें तो यहाँ पर Redmi Y2 आपको 9000 रुपये तक की कीमत में मिल जाता है, वहीं आपको लावा Z92 मिलता है 10000 रुपये तक की कीमत में। दोनों में 3GB की रैम है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। जल्दी से करते हैं दोनों को अनबॉक्स। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये है हमारे दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। सबसे पहले Redmi Y2 को देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, पावर्ड बाय Xiaomi यहाँ पर लिखा गया है। बैक साइड हेडलाइन फीचर्स देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का इसमें मिलने वाला है, साथ ही LED फ्लैश लाइट दिया गया है सेल्फी कैमरा में भी, और रियर में हमें 2 कैमरा मिलते हैं 12+5 मेगापिक्सल के, साथ ही आपको AI पावर ड्यूल रियर कैमरा मिलते हैं रियर में। स्क्रीन साइज की बात करें तो 5.99 इंच की हमें इसमें स्क्रीन मिलती है, जो कि HD+ स्क्रीन है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले 18:9 का एस्पेक्ट रेशो इसमें दिया गया है। चिपसेट आपको इसमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का। प्रोसेसर दिया गया है इसमें ऑक्टाकोर प्रोसेसर। 3GB की रैम है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज इसमें दिया गया है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 3000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। अब नज़र डालते हैं लावा Z92 पर। यह है लावा Z92 इंडिया का स्मार्टफोन। राइट साइड में हमें देखने को मिल जाता है #ProudlyIndian यहाँ पर लिखा गया है। इसके भी हेडलाइन फीचर्स देख ले तो यहाँ पर हमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का। दोनों में आपको AI फोटो स्टूडियो मोड दिया गया है। रियर में आपको सिंगल कैमरा ही इसमें मिलता है, फ्रंट 8 मेगापिक्सल है। इस डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पर हमें 6.22 इंच की HD+ नॉच डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। प्रोसेसर इसमें हमें मिलता है 2.0 GHz का ऑक्टा कोर हीलियो P22 प्रोसेसर। 3GB की रैम है और 32GB की आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज दी गई है। एक्सपेंडेबल मेमोरी आप 256GB तक बढ़ा सकते हैं, वो आप दोनों सेटों में बढ़ा सकते हैं 256GB तक। बैटरी यहाँ पर हमें 3260 mAh की मिलती है विद AI टेक्नोलॉजी के साथ मिलती है, जो कि हमें बैटरी को सेव करने में मदद करती है, जो कि AI टेक्नोलॉजी है। हमारे बैकग्राउंड में जो ऐप चल रही होंगी उनको रोकने में मदद करता है। तो जल्दी से दोनों को कर लेते हैं अनबॉक्स, डालते हैं नज़र दोनों के डिज़ाइन पर। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को हमने कर दिया है ओपन। सबसे पहले Redmi Y2 को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें डिवाइस देखने को मिलता है। इसको हम साइड में रख लेते हैं, अंदर कंटेंट पे डालते हैं नज़र। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर एक मिनी बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर हमें एक ट्रांसपेरेंट कवर मिलेगा, ये यूज़र मैनुअल यूज़र गाइड, इनको साइड में रख लेते हैं। और कवर देखिए, यहाँ पर हमें एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर इसमें फ्री मिल जाता है, फ़ोन का सुरक्षा कवच इसमें दिया गया है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक चार्जर अडेप्टर, जिसकी आउटपुट रेटिंग यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें मिलता है हमें 5V 2A का चार्जर, अच्छी बात है हमें इसमें 2A का चार्जर मिल जाता है। साथ ही एक नॉर्मल USB केबल, डाटा केबल कुछ भी बोल सकते हैं, वो मिल जाती है। सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। वहीं लावा Z92 में देखें तो अब देखते हैं यहाँ पर लावा Z92 में हमें क्या मिलता है। सबसे ऊपर दिया गया है स्मार्टफोन, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अंदर इसमें भी मिनी बॉक्स मिलता है, इसमें देखिए यहाँ पर भी हमें एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है लावा Z92 में। साथ ही आपको एक स्क्रैच गार्ड दिया गया है फ़ोन पे स्क्रैच को रोकने के लिए। तो ये है इसका कवर, जो कि फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर है। दोनों में आपको कवर मिल जाता है। लावा Z92 में आपको एक हैंड्स फ्री भी मिल जाती है, जो कुछ इस टाइप की है, आप देख सकते हैं। तो एक हैंड्स फ्री हमें इसमें मिल जाती है, जबकि यहाँ पर हमें Redmi Y2 में कोई हैंड्स फ्री नहीं मिली। साथ ही एक नॉर्मल USB केबल, चार्जर, सिम इजेक्टर पिन दोनों में आपको एक जैसी मिल जाते हैं। इसके आउटपुट रेटिंग देखें तो यहाँ भी हमें 5V 2A का चार्जर मिल जाता है। अब नज़र डालते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। ये हैं हमारे दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसे लुक के साथ। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, वहीं बैक लुक देखें तो यहाँ पर दोनों का काफ़ी अच्छा लुक देखने को हमें मिल जाता है Redmi Y2 में।
कुछ इस टाइप का है और लावा Z92 का लुक आप देख सकते हैं, काफी मेहनत की गई है लावा Z92 को बनाने में। Redmi Y2 में हमें राइट साइड में पावर ऑन की और वॉल्यूम रोकर एक साथ मिलते हैं, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक, IR ब्लास्टर और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है, लेफ्ट में सिम ट्रे और बॉटम में मिलता है हमें स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक और माइक, तीनों एक साथ मिलते हैं। बैक साइड देखें तो यहाँ पर बैक साइड में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ ही 12+5 मेगापिक्सल के ड्यूल रियर कैमरा दिए गए हैं, बीच में LED फ्लैश लाइट हमें मिलती है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा साथ ही LED फ्लैश लाइट दी गई है। वहीं लावा Z92 को देखें तो इसमें भी हमें राइट साइड में पावर ऑन की वॉल्यूम रोकर एक साथ मिलते हैं, ऊपर की साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट में हमें सिम ट्रे दी गई है और बॉटम में देखें तो यहाँ पर 3.5mm का हेडफोन जैक, माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल सब कुछ एक साथ मिल जाता है। बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और साथ ही 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इसमें मिलता है, फ्रंट में मिलता है हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इसमें हमें मिलती है नॉच डिस्प्ले, जबकि Redmi Y2 में आपको कोई नॉच नहीं मिलती है, उसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलती है। तो जल्दी से दोनों की पावर को कर लेते हैं ऑन। दोनों डिवाइस की पावर को हमने कर दिया है ऑन, तो दोनों स्मार्टफोन को हम देखें यहाँ पर तो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी दोनों में देखने को हमें मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की डिस्प्ले क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की है। तो यहाँ पर हम लावा Z92 में नॉच देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की हमें नॉच देखने को मिलती है, जबकि Redmi Y2 में आपको नॉच नहीं मिलती है। आइकन यहाँ पर देखते हैं तो दोनों में यहाँ पर कुछ ऐप प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है, जैसे यहाँ पर हम Redmi Y2 में देखें Amazon शॉपिंग, पेफोन, फेसबुक, डेली हंट जैसी ऐप यहाँ पर प्री इंस्टॉल दी गई हैं। हालांकि इनको देखते हैं हम यहाँ पर अनइंस्टॉल होती हैं या नहीं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अनइंस्टॉल। तो वहीं लावा में भी देखें तो यहाँ पर हमें जैसे अमेजन शॉपिंग यहाँ पर प्री इंस्टॉल दिया गया है, ऐप इन्फो में हम यहाँ पर देखते हैं अनइंस्टॉल होता है कि नहीं। तो ये देखें यहाँ पर हम जो ऐप हम नहीं चाहते फ़ोन में तो उनको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार अपने पसंद की ऐप अपने फ़ोन में रख सकते हैं। तो दोनों के डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है। और सेटिंग पे डालते हैं नज़र। Y2 में हम सेटिंग में चले जाते हैं, सेटिंग में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर डिवाइस नेम Redmi, मॉडल नंबर Y2 दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन हमें 8.1.0 जो कि ओरियो हमें इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल देखें तो 1/12/2018 का सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है और यहाँ पर जो MIUI वर्जन जो स्किन है हमें इसमें MIUI ग्लोबल 10.2 की स्किन मिलती है। बाकी यहाँ पर CPU दिया गया है ऑक्टा कोर 2.0 GHz का ऑक्टा कोर हमें इसमें मिलता है, 3 GB की रैम और 32 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें से हमें 23.5 GB तक अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिख जाएंगी। आप नज़र डालते हैं लावा Z92 पर, इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं और सेटिंग में हमें सबसे नीचे जाना है सिस्टम में। सिस्टम में देखें तो यहाँ पर अबाउट फोन दिया गया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉडल Z92 है, इसमें हमें 3 GB की रैम, 32 GB की रोम इसमें हमें मिलती है, CPU यहाँ पर 2.0 ऑक्टा कोर दिया गया है, एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर भी हमें 8.1.0 जो कि ओरियो हमें इसमें मिलता है, और जो स्किन है इसकी स्टार OS वर्जन 5.1 की हमें इसमें मिलती है। बाकी सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पर 5 नवंबर 2018 का दिया गया है। बाकी यहाँ पर बिल्ड नंबर अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जल्दी से दोनों के कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों के कैमरा क्वालिटी देखते हैं हमें कैसी देखने को मिलती है। दोनों डिवाइस के हमने रियर कैमरा कर दिए हैं ऑन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये है लावा Z92 का कैमरा और ये हमारा Redmi Y2 का ड्यूल रियर कैमरा। हालांकि यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी दिया गया है और यहाँ पर स्टूडियो का दिया गया है, तो इनसे भी देख लेते हैं एक बार, तो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल मोड में एक एक पिक्चर खींच लेते हैं दोनों से, तो ये लावा Z92 और ये हमारा Y2, दोनों से एक एक फ़ोटो हमने ले ली है और ये अलाउ कर दें यहाँ पर परमिशन मांगे, तो ये है दोनों से ली गई पिक्चर्स। पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा लगा, किसकी पिक्चर क्वालिटी आपको
किसकी अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी से सेल्फी कैमरा करते हैं ऑन और सेल्फी कैमरा पर डालते हैं नज़र। दोनों डिवाइस के हमने जो सेल्फी कैमरा है कर दिए हैं ऑन। तो ये है हमारा 16 मेगापिक्सल का Redmi Y2 का कैमरा और ये 8 मेगापिक्सल का लावा Z92 का कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों से डिफरेंट कितना है दोनों में। तो यहाँ पर हम फोटो क्लिक कर लेते हैं और ये आप देखिए यहाँ पर दोनों से ली गई सेल्फी। तो यहाँ पर सेल्फी के मामले में Redmi Y2 दोनों डिवाइस में हमें फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम फेस लॉक का टेस्ट कर लेते हैं दोनों से, यहाँ पर किसकी स्पीड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने सेट कर रखा है यहाँ पर दोनों में लॉक, तो यहाँ पर हमारे डिवाइस अभी लॉक है। तो यहाँ पर हम सारी उंगलियों को आगे कर लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये अभी हमारा डिवाइस आपको दिखा देते हैं, ये लॉक है और यहाँ पर मैंने सारी उंगलियाँ कर दी हैं आगे और ये अभी लॉक है। और मैं फेस की तरफ करूँ तो यहाँ पर डिवाइस होता है अनलॉक। तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पीड हमें इसमें मिल जाती है लावा Z92 में। वहीं हमारा ये Redmi Y2 अभी लॉक है, सारी उंगलियाँ आगे रख ली है मैंने और ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा वर्क यो भी कर रहा है, हालांकि थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहा है। तो यहाँ पर दोनों मोबाइल से हम एक साथ कर लेते हैं तो ये हमारे दोनों डिवाइस लॉक हैं और हम यहाँ पर, तो यहाँ पर Redmi Y2 ने थोड़ा टाइम लिया, ये देखिए Redmi Y2 थोड़ा टाइम ले रहा है लावा Z92 के मुकाबले। बाकी आप दोनों सेटों के बारे में क्या क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोनों में से कौन सा सेट पसंद आया आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसी सपोर्ट करिएगा, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।